वेलकम टू आर्बिट्रेरी अंकित विलियम शेक्सपियर MCQ। विच ऑफ फॉलोइंग फ्लावर डज द मैड ओफिलिया नॉट गिव इन अवे? सो वॉयलेट्स, एक्चुअली ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। हु रोट लिलीज दैट फास्टर स्मेल फॉर वर्सन देन वीट्स? शेक्सपियर के सोनेट नंबर 94 में लिखा गया है, ठीक है। 94 में सोनेट्स में लाइन है, लिलीज दैट फास्टर स्मेल फॉर वर्सन देन वीट्स, ठीक है। और एक इसको फेयर यूथ को क्या कहा गया है, सब्सटेंड किया गया है उसके लिए, ठीक है। तो 126 पोएम्स फेयर यूथ को किए गए हैं डेडिकेट, एंड 26 डार्क लेडी को, एंड 2 पोएम्स टू क्यूपिड। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द फॉलोइंग ऑकर? द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर डार्क। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा नाम का एक प्ले है, विलियम शेक्सपियर का रोमन प्ले भी कहा जाता है, जिसमें यह लाइन ऑकर की गई है, द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर डार्क, यानी अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं, बुरे की शुरुआत हो चुकी है। एक्ट 5 सीन 2। शेक्सपियर हैज रिटन हिस्टोरिकल प्ले, और एक्चुअली उन्होंने 10 प्ले लिख रखे हैं हिस्टोरिकल प्ले, उनमें से एक ही दो फेमस है बहुत ज़्यादा, बाकी उतने फेमस नहीं है। फिर भी विलियम शेक्सपियर ने ट्रेजेडी 10 लिख रखी है, ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है ट्रेजेडी विलियम शेक्सपियर ने 10 लिख रखी है अपने पूरे करियर में। और किस पर थे? होली सेंस के क्रॉनिकल्स पर आधारित हुआ करते थे इनके प्ले, ठीक है। हु इज हैमलेट बिलव्ड इन हैमलेट? ओफेलिया क्या रहती है? पॉलिनियस की डॉटर रहती है, लेटर्स बहन रहती है, उसकी प्रेमिका रहती है हैमलेट की, ओफेलिया। हैमलेट लिखा गया था 1601 से 1602 के बीच में, और ये फर्स्ट फोलियो 1623 में पब्लिश हुआ था हैमिंग एंड कॉर्नेल के द्वारा, क्लियर है। विलियम शेक्सपियर की लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी भी है हैमलेट, आई थिंक 4042 लाइन्स है इसमें। कंप्लीट सेंटेंस, द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन इन 1613 में डाउन जल गया था, ठीक है। विलियम शेक्सपियर का ही थिएटर था ग्लोब थिएटर, जो कि बना था 1599 में। इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं, देख रहे हो 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट? ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, नोबल वैल्यूटिंग एम्बिशन, नहीं कोई नहीं, ठीक है। ट्रेजिक फ्लॉ था उसका प्रोकेस्टिनेशन, प्रोकेस्टिनेशन मीन्स उसकी इन एबिलिटी टू एक्ट टू एवेंज हिज फादर डेथ। वो बातों को इतना बार सोचता था ना करने से पहले, इतना ज़्यादा बार कि वो बातें वैसे ही रह जाती थी और बोरिंग और उबाऊ सी लगती थी। टीएस एलियट ने इसी बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट किया है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव मैच ही नहीं होता है हैमलेट का, हैमलेट बातें कुछ और करता है, एक्शन कुछ उसके कुछ और ही दिखते हैं। इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल? रिचार्ड थर्ड में जब उसकी हत्या की जाती है तो रॉयल क्रिमिनल ही तो होता है। और ये कब लिखा गया था? 1591 से 1593 के अराउंड लिखा गया था। इन विच प्ले शेक्सपियर डज एडम अपीयर? इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर? एज यू लाइक इट में, ठीक है। एज यू लाइक इट में एक एडम नाम का कैरेक्टर है, बूढ़ा सा माना जाता है ना, अफवाह तो कुछ ऐसी है कि शेक्सपियर ने अपने आप को ही वहाँ पर रख रखा है, उनका ही कैरेक्टर है एज यू लाइक इट में। कौन? एडम। हु आस्क हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव लेडी मैकबेथ? एलसी नाइट ने एक ऐसे लिख रखा था, ठीक है, एलसी नाइट ने एक ऐसे लिख रखा था 1933 में, जिसका नाम था हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। इसलिए वो पूछते हैं, इट क्वेश्चन हैड आस्क्ड हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव लेडी मैकबेथ। हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस टू WH बाय शेक्सपियर? तो 126 सोनेट्स WH या और अर्ल हैब फाउंटेन भी इनको कहा जाता है, जो विलियम शेक्सपियर के पैट्रॉन थे, उनको 126 एड्रेस कर रखा है, और 26 डार्क लेडी को, 26 डार्क लेडी को एंड 2 क्यूपिड को, ठीक है। कम द मोरल रिच
विद द शार्प टिप दिस नॉट इंट्रिंसिकेट। सो ये लाइन्स कहाँ पर से उठ कर आती है? लाइन एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा में आती है। क्लियोपेट्रा बोलती है एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड में, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन इनमें से नन ऑफ दिस ऑप्शन हो जाएगा। क्लियोपेट्रा नाम का तो कोई प्ले ही नहीं लिख रखा ना, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा है। फील द गैप्स, किंग लियर हैड थ्री डॉटर्स, हम सबको पता है विलियम सॉरी किंग लियर की तीन बेटियाँ थी और इनको चापलूसी सुनना बहुत पसंद था। सो कर देती थी गोंडल और रेगन ने तो बहुत चापलूसी की ना, बट कॉर्डेलिया ने बोल दिया एक लाइन की, आई लव यू मैजिस्ट्री अकॉर्डिंग टू आर बॉन्ड नॉट बोर्ड नॉट लेस, यानी एक बेटी को अपने पिता से जितना प्यार करना चाहिए उतना ही करती हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कम नहीं। नाराज हो जाते हैं। हु हैज रिटन सिम्बलिन, शेक्सपियर ने लिख रखा है। शेक्सपियर ने सिम्बलिन नाम का एक प्ले लिख रखा है जो कि ब्रिटिश एंशिएंट ब्रिटिश पर बेस्ड है। एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था शिनोबेलिन, ठीक है। अदर अबाइट और क्वेश्चन थाउ आर्ट फ्री, हु हैज सेड दैट अबाउट शेक्सपियर, मैथ्यू और नॉट। मैथ्यू और नॉट ने एक लाइन लिख रखी है विलियम शेक्सपियर के लिए, अदर अबाइड आर क्वेश्चन थाउ आर्ट फ्री। हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस टू डार्क लेडी, ये तो मैंने बहुत बार बता रखा है। 26, डार्क लेडी का नाम था एलिजाबेथ, एक इटालियन डांसर हुआ करती थी। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज करण अपीयर, किंग लियर एक करण नाम करेक्टर है, ठीक है, वो विलियम शेक्सपियर के प्ले किंग लियर में उपस्थित होता है, ठीक है। वट इज़ द फुल नेम ऑफ मिस्टर WH इन शेक्सपियरियन सॉन्ग्स, तो विलियम हर्बर्ट उनका पूरा नाम था, इनको अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन भी कहा जाता है, जिनको इन्होंने 126 सॉनेट्स क्या कर रखे हैं, डेडिकेट कर रखे हैं, ठीक है। एल्सिनोर इन डेनमार्क इज द सीन ऑफ शेक्सपियर प्ले विच इज, एल्सिनोर के महल के अगल बगल दरवाजे के सामने या फिर रेलिंग के सामने ही तो हेमलेट के पिता का भूत घूम रहा होता है स्टार्टिंग के प्ले में, तो मार्शलस और एक और रहता है कोई, आई थिंक हुरेशो रहता है, मार्शलस और एक कोई और रहता है, ये दोनों देखते हैं भूत, ठीक है, मार्शलस पहले देखता है। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट, वेनिस, ये मूर ऑफ वेनिस तो रहता है, ठीक है, 1603 में इसको लिखा गया था और ये बेस्ड था ऑन कैप्टिनो मोरो, अ मोरिस कैप्टन बाय सिंथियो और डिसिपल ऑफ पोकाशियो, यानी पोकाशियो के चेले हुआ करते थे सिंथियो, उनका एक वर्क होगा ना उस पर ये सेट है, और वेनिस नाम की, वेनिस इटली में है, वेनिस शहर है बहुत फेमस इटली में, वहीं पर ही स्थित है, इटालियन प्ले भी आप बोल सकते हो उसको। टेक ओ टेक दो स्लीप अवे, टेक ओ टेक दो स्लीप अवे, मेजर फॉर मेजर में लाइन ली गई है, ठीक है। एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट, हु हैज रिटन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, टी एस एलियट ने हैमलेट पर भारी क्रिटिसिज्म मारते हुए ना ये लिख रखा है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम इन 1999 में, ठीक है।